ये हूँ मैं एंड ये है सर्वाइवल आइलैंड जिस पे लगा हुआ सिर्फ एक ट्री एंड मुझे सर्वाइव करना है इस आइलैंड पे 100 डेज एंड इन 100 डेज के अंदर हमारे कुछ गोल्स भी हैं जैसे फूड कलेक्ट करना, बहुत सारी वुड कलेक्ट करना, कुछ बिल्ड्स करना, एक फार्म बनाना, डायमंड आर्मर बनाना एंड डायमंड आर्मर को एन्चेंट करना, एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, वेदर मारना, ऑल्सो एक बीकन बनाना। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो आते ही मैंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया जैसे आपका किसी ने काट दिया था। पेड़ के नीचे मुझे एक बैरल मिलता है जिसके अंदर ये सारा सामान मिलता है, जिसमें एक सैपलिंग मिलती है, कुछ स्ट्रिंग्स मिलती हैं, कुछ कैरेट्स मिलती हैं, एक बुक मिलती है, एक टोटम मिलता है एंड इस बुक में ज्यादा कुछ लिखा नहीं होता क्योंकि इस बुक को मैंने बनाया। तो सबसे पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया, उसके बाद मैंने एक पिकेक्स बनाई, फिर मुझे यहाँ पर एक काऊ मिलती है जिसका नाम साकुरा होता है एंड एक और गाय मिलती है जिसका नाम अकीरा होता है। साला यहाँ पर तो गायें भी सिंगल नहीं है और मैं सिंगल बैठा हूँ। जो मेरे पास स्ट्रिंग थी उससे मैंने वूल क्राफ्ट किया, फिर मैं माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ एंड मैं अपने आप को स्टोन पे अपग्रेड कर लेता हूँ एंड माइन करते करते मुझे थोड़ा सा कोल भी मिल जाता है एंड रात हो जाती है, ऊपर आके मैं फिर टॉर्चेस लगाता हूँ, फिर मैं अपना एक बेड क्राफ्ट करता हूँ एंड सो जाता हूँ और सोता भी मैं अकेला ही हूँ एंड उसके बाद मैं खेती करता हूँ एंड अगेन माइनिंग करने लग जाता हूँ। एंड माइन करते करते मुझे एमेथिस्ट जियोड मिल जाता है, देन मैं फर्नेस बनाता हूँ दो एंड उसके बाद मैं इस पिक की जान ले लेता हूँ एंड रात होने पे मैं अच्छे बच्चों की तरह सो जाता हूँ एंड उसके बाद मैं एक बोट बनाता हूँ एंड बोट बनाने के बाद मैं एक सामने जो आइलैंड दिख रहा है मैं वहाँ जाता हूँ एंड इस आइलैंड पे एक शुगर केन होता है, एक नहीं ज़्यादा होता है जिन्हें मैं तोड़ लेता हूँ एंड उसके बाद मैं दूसरे आइलैंड की तरफ जाता हूँ एंड इस आइलैंड के ऊपर भी मुझे एक शुगर केन मिलता है। मैं ना कुछ ज़्यादा ही एंड कर रहा हूँ। उसके बाद इन गन्नों को मैं उगा देता हूँ, फिर मैं नीचे आके माइन करना शुरू कर देता हूँ एंड माइन करते करते मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं। वो बात अलग है कि मुझे आयन नहीं मिला अभी तक एंड थोड़ी देर बाद मुझे आयन भी मिल जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ 2 आयन के पीस थे। भाई क्या किस्मत है मेरी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे आयन मिल जाता है, उसके बाद मैं फर्नेस क्राफ्ट करके आयन्स को स्मेल्ट करता हूँ एंड एक आयन की पिकैक्स बना लेता हूँ। इस पिकैक्स से मैं फिर डायमंड माइन करता जितने भी मुझे मिले थे। मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी सारे डायमंड मिल गए थे। सो रात भी हो रही थी, सो मैं अच्छे बच्चों की तरह जाके सो जाता हूँ एंड डायमंड से मैं डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ, ऑल्सो मैं एक एक्स भी क्राफ्ट करता हूँ, साथ में मैं एक सोर्ड भी बना लेता हूँ और उसके बाद मैं पेड़ों की कटाई शुरू कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं इस जगह को क्लीन करता हूँ। जगह को प्लेन करते करते मेरे पास बहुत सारी डर्ट हो चुकी थी जिसका मैं यूज़ इसको भी और प्लेन करने में करने वाला था एंड उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना स्ट्रिप माइनिंग हो जाए, तो मैंने स्ट्रिप माइनिंग करनी शुरू कर दी। बाद मैं अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाता हूँ एंड फाइनली मैं बन जाता हूँ पूरा डायमंड आर्मर वाला बंदा। सो अभी मुझे करना था बड़ा अपनी इस आइलैंड को और शेप देनी थी मुझे सर्कुलर टाइप, तो उसके लिए मैंने इन गड्ढों को भर दिया। सो अब बारी थी अपने आइलैंड को बड़ा करने की, तो मैंने अपना आइलैंड बड़ा करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी की सारी डर्ट खत्म हो चुकी है और मैंने इतना सही काम किया है और अभी मुझे डर्ट चाहिए, जिसके लिए जितने भी ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और जो मेरे नीचे भी आइलैंड है यहाँ पर, इन सारे आइलैंड्स को मैं रुइन कर देता हूँ और यहाँ से डर्ट निकालता हूँ
सो लेट्स बिगिन। और राइट, मुझे लगता है अभी के लिए इनफ डेट हो चुकी है मेरे पास, और इस आइलैंड को भी मैं अभी बिगाड़ने वाला हूँ और यहाँ से भी मैं डेट लेने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं इन जानवरों को वीट खिला के ऊपर ले जाता हूँ ताकि मुझे बार बार ये परेशान ना करें। ऑल राइट काउज, चलो मेरे साथ। ऑल राइट, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने बिल्ड को। राइट, तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैं नीचे से अपना सामान ऊपर लेके गया एंड उसके बाद मैंने फार्मिंग की और मुझे कैरेट मिली थी तो मैंने उस कैरेट को बॉन मिल से मल्टीप्लाई किया एंड मैंने उसके बाद काउज को ब्रीड किया। उसके बाद मैंने सैपलिंग्स को प्लांट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने थोड़ी देर तक वापस से माइनिंग की एंड अपने खेत को भी थोड़ा सा बड़ा किया मैंने। एंड उसके बाद मैंने जगह बनाई शुगर केन के लिए ताकि मैं शुगर केन भी उगा सकूं। एंड जो पेड़ उग चुके थे मैंने उनकी कटाई शुरू कर दी। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड के चारों ओर बॉर्डर लगाना शुरू कर दिया वुड का। अभी हमारे आइलैंड पे देखो कौन हमसे मिलने आया था, वॉन्डरिंग ट्रेडर, और ये बहुत गंदी लूट लेके आया था। इसके साथ हुआ ही क्या होगा। उसके बाद जो भी ये वुड थी जो मैंने बाउंड्री पे लगाई थी मैंने इसको स्ट्रिप किया। यहाँ पर मैंने एक रास्ता बनाया ताकि मैं आगे पोर्टल बना सकूँ एंड उसके बाद मैंने एक और जगह पे सेम चीज़ बनाई ताकि मैं यहाँ पर एन्चेंटिंग वगैरह का सेटअप कर सकूँ। ये सब करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया जाए, तो मैंने छोटा सा फिर अपने लिए घर बनाया जो कि देखने में काफ़ी टट्टी था। उसके बाद मैंने अपने फसलों की कटाई की और अपने जानवरों से जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाए। Very nice. एंड उसके बाद मैंने अपने खेत को थोड़ा और बड़ा किया। के बाद मैंने बहुत सारे पेड़ काटे एंड उसके बाद एक एंडरमैन आ जाता है और उसको मैं मार देता हूँ। एंड उसके बाद मैं एन्चांटिंग टेबल के लिए एक जगह बनाता हूँ ताकि मैं एन्चांट वगैरह का सामान रख सकूँ। एंड मेरे एन्चेंटमेंट एरिया के पास ही मैं एक छोटा सा एक और एरिया बनाता ताकि मैं मोब फार्म भी बना सकूं। मैं और भी ज़्यादा शुगर केन लगाने के लिए खेत बड़ा करता हूं एंड फाइनली मैं अपने मोब फार्म को बनाने का काम स्टार्ट कर देता हूं। एंड इसी के साथ हमारा फार्म बनके रेडी हो चुका था, लेकिन हमारे फार्म में बहुत सारी दिक्कतें थी तो मैंने उसको भी ठीक किया। एंड हमारे फार्म के लिए हमारे पास होपर्स नहीं थे और होपर्स के लिए मुझे आयरन चाहिए था जो कि मैं माइन करके लाता हूँ। होपर्स को बनाने के बाद मैं यहाँ पर इस स्टोरेज सिस्टम पे होपर्स को लगा देता हूँ। इतना सब करने के बाद मैं बहुत सारी लीव्स को गैदर करता हूँ एंड यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करता हूँ लीव के साथ में
एंड उसके बाद मेरा जो आइलैंड है मैं वहाँ पर भी पत्तों से डेकोरेशन शुरू कर देता हूँ। तो थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं शवल का यूज़ करके यहाँ पर पाथ बना लेता हूँ। जो पेड़ हमारे बढ़ चुके थे मैंने उन पेड़ों को काटा एंड चिंता मत करो, मैंने पेड़ों को वापस से उगाया भी है। उसके बाद मैंने फसलों की कटाई की और इन लालची बच्चों को लालच देकर इनकी स्मगलिंग कर दी एंड उसके बाद मैंने इनके लिए एक जगह बनाई, छोटा सा बाड़ा बनाया इनके लिए ताकि ये भाग ना सके और जबरदस्ती इनके बच्चे पैदा कराए। इन मादे बच्चियों को भी मैं पकड़ के लाया और इनसे भी मैंने जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाए। फिर मैं गया काउज के पास में, फिर उसके बाद मैंने बची हुई फसल को काटा, उसके बाद मैंने वापिस से फसल को बोया एंड सिंगल होने की वजह से मैं अकेला ही सोया। और सुबह सुबह उठने के बाद मुझे लगी थी भूख तो मैंने बनाए ब्रेड और मैंने बनाई एक दो हेबल्स जस्ट फॉर शोपीस एंड उसके बाद मैंने किया अपना बड़ा। उसके बाद मैं ओशियन रिवन के लूटने जाता जो कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था और इसमें से मुझे मिलती है टट्टी। और सस्ते नशे करते हुए मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से एमेथिस्ट शार्ड्स लेके जाता हूँ एंड उसके बाद मैं अंडे फोड़ता हूँ, उसमें से बच्चा निकलता है, उसे मैं अकेला छोड़ देता हूँ। सो एन्चेंटमेंट करने के लिए मुझे एक्सपी चाहिए थी जिसके लिए मैं अपने एक्सपी फार्म पे आता हूँ, बट सम रीजन ये काम ही नहीं कर रहा होता है, मुझे नहीं पता इसको क्या हो गया है। इवन मैंने फ्री कैम मोड का यूज भी किया लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ पर स्पॉन क्यों नहीं हो रहे कुछ। एंड उसके बाद मैंने एक फिशिंग रॉड बनाई एंड उसके बाद उससे मैंने फिशिंग शुरू कर दी। फिशिंग से कुछ ढंग का ना मिलने की वजह से फिर मैं माइनिंग पे जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पर एक लावा पिट ढूंढता हूँ और वहाँ पर पानी डाल के फिर से वापस से पानी डालता हूँ एंड उसके बाद ऑब्सीडियन माइन करता हूँ। ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं चला जाता हूँ वापस से ऊपर और चुपचाप से सिंगल बंदूक की तरह सो जाता हूँ। उसके बाद ऑब्सीडियन से मैं बनाता हूँ नेदर का पोर्टल, आई नो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिर मैं बनाता हूँ एक फ्लिंट एंड स्टील और पोर्टल को लिट कर देता हूँ उससे। उसके बाद मैं डेकोरेशन करने के बारे में सोचता हूँ एंड डेकोरेशन का फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का आता है। कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको कैसा लगा। उसके बाद मैं नेदर में जाके देखता हूँ कि हमारा स्पॉन कैसा मिला हमें। मैं हमारा स्पॉन चेक करता हूँ तो देखता हूँ भाई ये स्पॉन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, विच मीन्स मैं पक्का मरने वाला हूँ। फिर मैं इस गोल्ड को भी माइन करता हूँ एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ वापस ओवरवर्ल्ड की तरफ। फिर मैं अपनी काउस के पास जाता हूँ क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही थी यहाँ पर, सो थोड़ी जनसंख्या को कम करने के बारे में मैं सोचता हूँ। उसके बाद मैं शुगर केन्स को काटता हूँ। उसके बाद मैं बुक्स क्राफ्ट करता हूँ। ऑब्सीडियन और डायमंड होने की वजह से मैंने फिर एन्चेंटमेंट टेबल भी क्राफ्ट कर ली एंड उसके बाद मैंने एन्चेंटमेंट टेबल को प्लेस भी कर दिया। फिर मैंने एन्चेंटमेंट चेक की तो काफ़ी अच्छे एन्चेंटमेंट भी नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं अच्छे बच्चों की तरह सो जाता हूँ क्योंकि हमें एन्चेंटमेंट करने के लिए एक्सपी भी तो लगेगा, इसलिए मैं जाता हूँ नेदर में। नेदर में एक्सपी लेने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्वार्ट्ज से माइन करके एक्सपी ले सकता हूँ या फिर मैं इन पिगलिंस को मार के। सो मैं पिगलिंस को मारने वाला हूँ लेकिन कैसे अभी देखना तुम लोग। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा रूम बिल्ड करूंगा जिसके अंदर मैं एक ट्रैप बनाने वाला हूं और हमारा ट्रैप रेडी है, जस्ट मुझे इन पिगलिंस को एक बार मारना है एंड जैसे मैं इसको हिट मारता हूं ये सभी के सभी पिगलिंस मेरे पीछे पड़ेंगे और मुझे अपने ट्रैप में जाना है एंड यहां पर आना है और यहां से मुझे इन्हें हिट करना है। जस्ट मुझे इन्हें अब मारते रहना है एंड एक्सपी लेते रहना है। मुझे लगता है कि इतनी एक्सपी इनफ है तो मैं अभी ओवरवर्ल्ड में वापस जाता हूं एंड ओवरवर्ल्ड में आके मैं एन्चेंटमेंट टेबल के पास जाता हूं एंड उसके बाद मैं अपनी पहली एन्चेंटमेंट करता हूँ जिसके अंदर स्माइट भी आता है और पिकैक्स में भी अच्छी चीज़ आ गई एंड हमारी एक्स में भी अच्छी चीज़ आ जाती है, लेकिन मेरी एक्सपी फिर से ख़त्म हो चुकी थी एंड एक्सपी के लिए मैं वापस से नज़र में आके ग्राइंड करता हूँ एंड एक्सपी ग्राइंड करने के बाद मैं वापस से अपनी बेस पे आता हूँ और वहाँ पर अपने आर्मर को वापस से एन्चेंट करता हूँ। वैसे तो एन्चेंटमेंट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। उसके बाद मैंने वापस से पेड़ों की कटाई शुरू की एंड अब मैं पेड़ों की कटाई क्यों कर रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद मैं बहुत सारी स्लैब्स बनाता हूँ एंड छोटा सा प्लेटफॉर्म एक और बनाता हूँ जिसके ऊपर मैं पेड़ लगाऊंगा। चलो बनाते हैं फिर।
एंड उसके बाद मैंने डर्ट लगाई, उसके बाद मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ भी तोड़ी, उसके बाद इन पत्तियों से मैंने एक दीवार बनाई, उसके बाद मैंने एक छोटा सा रूम बनाया ताकि उसके अंदर ज़ॉम्बी विलेजर वगैरह विलेजर्स वगैरह स्पॉन हो सकें। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने विलेजर्स के लिए भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लूं, तो फिर मैंने यहां से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेंसिंग की ताकि कोई भी विलेजर भाग ना पाए और कोई भी विलेजर नीचे ना गिर जाए। एंड उसके बाद मैं गया नेदर में, नेदर से मैंने कुछ ब्लॉक्स माइन किए एंड मैं कुछ गोल्डन एप्पल भी क्राफ्ट करके ले आया था। सो मुझे अब जाना था नेदर फोर्ट्रेस की तरफ और मुझे नहीं पता था कि नेदर फोर्ट्रेस किस तरफ है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस डायरेक्शन में जाया जाए। अभी जस्ट मैं जाने का सोच ही रहा था तो इस घास ने मुझे परेशान किया, लेकिन मैंने इसे मार दिया और मुझे एक एडवांसमेंट भी मिली। एंड मैं थोड़ा सा आगे जाके ये देखता हूँ, सो यहाँ पर मुझे बैस्टियन रेमिनेंट दिखता है। सो मैं सोचा क्यों ना इसको भी लूटा जाए। सो मैं जैसे यहाँ पहुँचता मुझे एक एडवांसमेंट और मिल जाती है। सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे इनकी लूट चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर लूट हो सकती है। तो मैं इस ट्रेजर को भी लूट लेता हूँ और इस गोल्ड को भी चुरा लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर मैं फोर्ट्रेस की तलाश में जाता हूँ। जैसे मैं फोर्ट्रेस की तरफ आता हूँ आते ही मेरे पे हमला हो जाता है। एंड उसके बाद मैं और ये घास मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉलिंग करता है मैं बैटिंग करता हूँ। उसके बाद मैं फोर्ट्रेस में जाके ब्लेजेस और विदर स्केलेटन्स को मारता हूँ एंड उसके बाद मैं घर की ओर चला जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए हेलमेट एंड जूते बनाता हूँ। उसके बाद मैं कुछ ब्रेड्स बनाता हूँ और उन्हें खा लेता हूँ। उसके बाद मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ एंड इस ब्रूइंग स्टैंड के अंदर मैं पोशन ऑफ वीकनेस बनाने वाला हूँ, लेकिन पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मेरे पास स्पाइडर की आँख ही नहीं है। स्पाइडर मुझे तेरी माँ की आँख दे। एंड इस स्पाइडर ने मुझे अपनी आँख दे दी एंड मुझे थोड़ी सी सैंड भी चाहिए। फिर मैंने एक फर्नेस क्राफ्ट किया एंड उसके अंदर मैंने ग्लास बनने के लिए लगा दिए। फिर मैंने बॉटल्स क्राफ्ट की एंड मैंने पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए लगा दिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही एंड कर रहा हूँ वापस से। और फाइनली हमारा पोशन ऑफ वीकनेस बनके तैयार था और उसे मैंने स्प्लैश पोशन में भी कन्वर्ट कर लिया। और जो मुझे एशियन डेब्रिज मिला था उससे मैंने बना दिया है विदर का ग्रेव। ऑफकोर्स इसलिए बनाया क्योंकि वो मरेगा। इस बार मैं रात को सोया नहीं था क्योंकि मुझे चाहिए थे ज़ॉम्बी विलेजर किसी भी हालत में, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी रात भटकता रहा जैसे कुत्ते भटकते हैं। एंड ये देखो रात के अंदर क्या निकला भाई, इस स्पाइडर के स्पॉन होने के चांसेस कुछ ये हैं एंड ये मेरे वर्ल्ड में स्पॉन हुआ है। एंड फाइनली दो रातों के बाद जाकर ये स्पॉन हो जाते हैं। फिर मैं इनके लिए गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करता हूँ और इन्हें क्योर करता हूँ। एंड नाउ हमें वेट कर रहा है इनके क्योर होने का। एंड जब तक वो लोग क्योर हो रहे तब तक तुम लोग मेरे चलने का स्टाइल देख लो। फिर मैं इन विलेजर्स की ब्रीडिंग करवाने के लिए इनको मैं खाना देता हूँ और इनका काम आसान करने के लिए मैं इनको बेड्स भी दे देता हूँ, जिस मर्जी बेड पे ये दोनों मिलके। अरे वाह, इन्होंने बहुत जल्दी बच्चा पैदा कर भी दिया। एंड उसके बाद मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाता हूँ और उससे ट्रेड्स करता हूँ। इन दोनों को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड बहुत सारी ट्रेडिंग करने के बाद जाकर मुझे कुछ अच्छे इंचांटमेंट इसने देना शुरू करे और इनके बहुत सारे बच्चे भी मैंने पैदा करवाए। और आयरन देने में इनका बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि इन्होंने अपनी बलि दे दी। एंड एंचांटमेंट वगैरह करने के बाद अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की, जिसके लिए मैंने आई ऑफ एंडर बनाई और चल दिया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। एंड फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली जगह पर आ चुका था, लेकिन इन लोगों ने मेरा वेलकम अच्छी तरह से नहीं किया तो मैंने इन्हें मार दिया। एंड उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए खुदाई करता हूँ एंड मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल भी जाता है। एंड थोड़ी देर बाद मुझे पोर्टल भी मिल जाता है। एंड उसके बाद मैं पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। सो अब आ रही है एंडर ड्रैगन को मारने की।
मैंने सारे पिलर्स तोड़ दिए, बस एंडर ड्रैगन को मारना बाकी है। चलो इसे भी मार देते हैं। ब्रो इसे हिट नहीं लग रहे हो भाई, इसने कितना ऊंचा फेंका मुझे। ब्रो भाई मेरा टोटम पॉप हो गया, अभी मुझे बच बच के खेलना होगा भाई। बस इसकी हेल्थ थोड़ी सी बाकी, जल्दी मर जाए बस। और ये अरे लगने दे हिट भाई, फाइनली मरा। दो टाइम लगा भाई इसे मारने में, बट फाइनली हमने इसे मार ही दिया। फटाफट से एक्सपी गैदर कर लेता हूँ सारी की सारी। सो अब बारी है विद्र को मारने की, एंड अब की बार ये तरीका मैं सीख के आया हूँ। चलो फिर विद्र को स्पॉन करते हैं। और ये हो गया विदर स्पॉन, और ये फटने वाला है। अब मारो इसे, पहले मैं गैपर खा लूँ वरना ये मेरी मार डालेगा। अब तो ये गया भाई, इसकी हेल्थ देखो कितनी जल्दी जा रही है। एंड देयर वी गो, हमने विदर को बहुत जल्दी मार दिया। वैसे मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी विदर को मार पाऊंगा। सो फिलहाल चलते हैं अभी अपने ओवरवर्ल्ड में, एंड थोड़े से पेपर बना लूंगा इन शुगर केन से, ताकि मैं विलेजर से थोड़े से एमरल्ड ले लूँ। ऑलराइट ट्रेडिंग इज डन, अभी बीकन को बनाना शुरू करते हैं। एंड कोई नहीं बोलेगा ये बीकन मैंने बहुत ज़्यादा सस्ता बनाया है, कोई नहीं बोलेगा। एंड इसी के साथ हमारे 100 डेज कम्प्लीट हो जाते हैं इस वर्ल्ड में। And this is the story how I survived 100 days on a survival island in Minecraft hardcore mode.